मुझे थोड़ी सी चिंता है अपने मित्र गर्ग साहब की कि वो दिन की शुरुआत श्री से करते, मंगल से करते, श्री गणेश का नाम लेकर करते, इन्होंने झूठ बोलने से शुरू किया। इन्होंने कहा कि आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के शासन में एक भी ईंट नहीं लगी। इन्होंने जो ये जुमला पकड़ा हुआ है, ये जुमला ये साबित करता है कि कांग्रेस के नेता स्वयं आपसे पहले कोशिश जी, अगर आप इनको म्यूट नहीं करेंगे तो मुझे मेरे दिल के साथ नहीं बैठना। नहीं बजन दासी, तू क्या बैठना नहीं है आपको बीच में, मैं क्या कह रहा हूँ बजन दासी सर, आपको आपको आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है गर्ग साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे सुने। आपसे निवेदन कर रही हूँ मैं, आप मुझे सुने। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सुने मुझे। आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे क्या? 7:30 बजे से सर, 7:30 बजे से पिछले 1.5 घंटे से सर आप हरियाणा न्यूज की चर्चा में है, तो 1.5 मिनट अभी हुआ है, आप बीच में बोलने लगे, फिर आप शिकायत करेंगे, फिर आप मुझे कहेंगे कि मुझे वक्त नहीं मिल रहा। सर आप 1.5 घंटे से गए, आप धैर्य रखिए ना। जवाब दिया है तो कौशिक जी के बात का जवाब, ठीक है ठीक है सर, आपकी बात को हम समझ गए, प्लीज आप थोड़ा थोड़ा सुना कीजिए। चौहान साहब जल्दी बात पूरी कीजिए। मैं गर्ग साहब से अनुरोध करूंगा, काफी देर आज साथ साथ बैठ के बात करनी है, बीच में ना इंटरवीन किया करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्होंने जो जुमला पकड़ा हुआ है कि एक ईंट आदमपुर में नहीं लगाई, ये जुमला इनको और इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत प्रिय है, और ये हरियाणा के बारे में भी यही कहते हैं पूरे, और आदमपुर के बारे में भी यही कहते हैं। जब ये जुमला सुबह सुबह ये बोलते हैं टेलीविजन पर बैठकर, तो उससे ये बात शीशे की तरह साफ होती है कि ये जो भी कहते हैं टीवी पर, इनकी बातों में तथ्य नहीं होते, आंकड़े नहीं होते, जानकारी नहीं होती, खाली राजनीतिक जुमलेबाजी होती है।